हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं फायर अलार्म सिस्टम। आज का अपना टॉपिक है फ्रेंड फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम कितने टाइप का होता है, पूरे जो भी फायर अलार्म सिस्टम लगता है वो कितने टाइप का होता है। फायर अलार्म सिस्टम टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम कितने टाइप का होता है तो आप लोगों को बता दूं, फायर अलार्म सिस्टम दो टाइप का होता है। एक होता है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, एक होता है कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। तो दो ही टाइप का फायर अलार्म सिस्टम पूरे इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में दो ही टाइप का फायर अलार्म एड्रेसेबल और कन्वेंशनल सिस्टम होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक कन्वेंशनल सिस्टम। ये जो आपको एक डायग्राम की मदद से आपको पूरा ए टू जेड सिखाने वाला हूँ कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में कैसे उसका केबलिंग कैसे होता है और उसमें डिवाइस कितना लगता है, कौन कौन सा डिवाइस लगता है और उसमें कौन सा पैनल आता है और कितने डिवाइस लगते हैं एक जोन में और इसका केबलिंग कौन सा होता है, क्लास ए या क्लास बी वायरिंग होता है। तो टोटल ए टू जेड हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो में आप लोग को कन्वेंशनल सिस्टम का जितने भी वर्किंग होता है वो टोटल ये वीडियो में आप लोग को ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो देख सकते हैं फ्रेंड, एक कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में जो भी यूज होता है, जो भी कॉमन यूज होता है वो टोटल ए टू जेड में एक डायग्राम की मदद से पूरे को पूरे इंस्टॉल कर दिया हूँ। बाकी हम लोग क्या है ना, अभी स्टेप बाय स्टेप समझना है और इसका वर्किंग कैसे होता है वो हम लोग एक एक करके क्लियर करते हुए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देख सकते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये कन्वेंशनल एक आपका फायर अलार्म सिस्टम का पैनल है, FACP। FACP का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ये आपका फायर अलार्म कंट्रोल पैनल हो गया। ओके फ्रेंड, इसमें क्या क्या होता है वो पहले समझते हैं, उसके बाद टोटल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, पैनल के अंदर क्या लगेगा आपको, एक पैनल आएगा। ओके फ्रेंड, ये आपका जो पैनल लिया हूँ वो टू जोन का है, एक जोन का भी आता है, टू जोन का भी आता है, फोर जोन का भी आता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये तो आपका पैनल के अंदर आपका कार्ड मिलेगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद डिस्प्ले रहेगा आपका, देख सकते हैं डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है ना, बैटरी लगता है, बैटरी बैकअप पावर सप्लाई के लिए आपको 24 वोल्ट का बैटरी देना पड़ता है। तो देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे ना एक बैटरी हो गया, ये आपका ये दूसरा बैटरी हो गया। देख सकते हैं बैटरी 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस डीसी, टोटल 24 वोल्ट डीसी, ये आपको 24 वोल्ट का ये यहाँ पे आपका बैटरी बैकअप पावर सप्लाई के लिए देना पड़ेगा, बैकअप के लिए। ओके फ्रेंड, उसके बाद इसमें कौन कौन सा और भी पैनल के अंदर आता है तो देख सकते हैं, एसी पावर 120 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक एसी पावर सप्लाई आपको इसको पैनल को रन करने के लिए चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद ज्यादा इस पैनल के अंदर कुछ होता नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं, ये आपका जो पैनल है वो टोटल हम लोग अभी जो बता रहे हैं वो टोटल टू जोन का पैनल का बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं, ये एक फर्स्ट जोन है आपका, ये पहला वाला एक पहला जोन हो गया, ये आपका दूसरा जोन हो गया। ओके फ्रेंड, ओके क्लियर। तो देख सकते हैं, एक जोन केबल निकलेगा ना, एक केबल यहाँ से जो निकलता है जो कि डिटेक्टर लगता है, MCP लगता है और भी जो कौन कौन सा डिवाइस लगता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देख सकते हैं, फर्स्ट जोन आपका निकला यहाँ से केबल, उसके बाद सीधा फर्स्ट डिटेक्टर में चला गया, जोन वन देख सकते हैं, Z1 डिटेक्टर वन, ये आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया। ओके फ्रेंड, ये आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया। देख सकते हैं, यहाँ से एक केबल निकला आपका, इसमें केबल कौन सा यूज होता है वो भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो 1.5 स्क्वायर mm का केबल यूज होता है, टू कोर का। ओके फ्रेंड, टू कोर का केबल यूज होता है, उसमें एक रेड होता है, एक आपका ब्लैक होता है, एक आपको प्लस लेना है, एक आपको माइनस लेना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देख सकते हैं, एक ही केबल है यहाँ से निकला ना, आपको केबलिंग करना है सबसे पहले। तो केबल आपको देख सकते हैं, केबल टोटल यहाँ तक गया है। अभी मैं तीन डिटेक्टर को एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूँ, इसमें कितना लगेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देख सकते हैं, फर्स्ट पैनल से जो केबल निकला, देख सकते हैं डिटेक्टर में आकर कनेक्ट हो गया, स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डी का मतलब हो गया आपका डिटेक्टर। तो देख सकते हैं, आपका इधर से जो केबल आया ना, इन केबल, यहाँ तक केबल इन हो गया, यहाँ से ये केबल आउट हो जाता है। तो देख सकते हैं, ये आपका माइनस प्लस यहाँ पे डिटेक्टर में कनेक्ट हो जाएगा, ये एक और केबल यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ताकि इसको पावर मिले। और ये देख सकते हैं MCP, MCP का फुल फॉर्म होता है मैनुअल कॉल पॉइंट, मैनुअल कॉल पॉइंट। तो देख सकते हैं, जोन वन डिटेक्टर टू, इसमें कोई नंबर होता नहीं, अपने हिसाब से हम लोग नंबर को स्टिकर लगाते हैं, इसमें नंबर होता नहीं। एड्रेसेबल पैनल जो होता है उसमें सभी डिटेक्टर का मॉड्यूल का सबका नंबर होता है, लेकिन ये कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में नंबर किसी भी डिटेक्टर का नहीं होता है, वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा इसका क्यों नहीं होता है। ओके फ्रेंड, उसके बाद देख सकते हैं MCP हो गया, MCP का मतलब हो गया मैनुअल कॉल पॉइंट। उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ से केबल आपका यहाँ आ गया, यहाँ से केबल यहाँ पे केबल आपका एंड हो जाएगा, या तो आप केबल के यहाँ पे EOL का मतलब होता है
एंड ऑफ लाइन रजिस्टर, एंड ऑफ लाइन रजिस्टर आपको यहाँ पे लगा देना है ताकि लूप पूरा आपका क्लोज हो जाएगा। ये जो जोन है ना, ये लूप आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं पावर आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ताकि ये भी रजिस्टर लगा देना है। ओके फ्रेंड, उसके बाद देख सकते हैं दूसरा जोन जो होता है वो देख सकते हैं यहाँ पे सेम आपका वही करना है। जोन टू जो केबल डालोगे वहां से देख सकते हैं फर्स्ट डिटेक्टर पे आ जाएगा, तो जोन टू डिटेक्टर वन स्मोक डिटेक्टर लग गया, फिर एमसीपी लग गया मेन वर्कआउट पॉइंट। उसके बाद देख सकते हैं हीट डिटेक्टर यहाँ पे आप लगा सकते हो। ओके फिर तो इसमें कौन कौन सा डिटेक्टर लगता है, कौन कौन सा मॉड्यूल लगते हैं वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो ये जो केबल है ना, ये दोनों केबल जोन वन और जोन टू, इसमें आपको सिर्फ स्मोक डिटेक्टर लगा सकते हैं और हीट डिटेक्टर लगा सकते हैं एमसीपी लगा सकते हैं, और आपको ज़्यादा बड़ा लूप जोन है तो आप फॉल्ट इंसुलेटर मॉड्यूल एक लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, बाकी कोई मॉड्यूल उसमें कोई कुछ नहीं लगता है, जो भी जोन है ना इसमें कोई कुछ नहीं लगता है। उसके बाद आपको जो हूटर के लिए केबल निकालना पड़ेगा ना, हूटर के लिए अगर आप लोग को हूटर चाहिए तो हूटर के लिए देख सकते हैं एक अलग कनेक्शन रहता है, वहाँ से आपको 24 वोल्ट का यहाँ से एक केबल निकालोगे, देख सकते हैं माइनस प्लस यहाँ से केबल निकालोगे ना, तो हूटर वन आप यहाँ पर दे दो, हूटर टू, हूटर थ्री, आपको यहाँ से केबल निकालना है, हूटर कनेक्ट करते हुए जाना है। ओके फ्रेंड, तो आप एक जोन में आप कनेक्ट कर सकते हैं हूटर। आपको अगर एक चाहिए तो सिर्फ एक कनेक्ट करो, दो चाहिए दो कनेक्ट करो, तीन चाहिए तीन कनेक्ट करो। ओके फ्रेंड, इसमें कोई रजिस्टर नहीं लगेगा, आपको सीधा पावर आएगा, हूटर के पास आएगा, आपका बचेगा। ओके फ्रेंड, इसमें और कुछ होता नहीं है खास, और ये डिटेक्टर के मैं आप लोग के बता देता हूँ इसमें और सारा क्यों नहीं। और तो इसका जो केबलिंग होता है ना फ्रेंड, ये क्लास बी वायरिंग होता है। ओके फ्रेंड, ये जो केबलिंग होता है इसमें जितने भी केबल यूज होते हैं वो क्लास बी वायरिंग होता है। तो इसमें फ्रेंड कौन सा टाइप का केबल यूज होता है, तो क्लास बी वायरिंग यहाँ पे यूज होता है कन्वेंशनल के लिए। इसका अलग अलग नाम है, कन्वेंशनल नॉन एड्रेसेबल सिस्टम भी बोलते हैं और कन्वेंशनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो नॉन एड्रेसेबल सिस्टम इसलिए बोलते हैं फ्रेंड ताकि ये कोई भी डिवाइस का नंबर नहीं होता है, इसमें कोई मॉड्यूल नहीं लगता है, सिर्फ ये छोटे एरिया के लिए यूज होता है। जैसे कि छोटा सा ऑफिस है अपने घर के लिए, अपने दुकान के लिए, ये सब आपको ये यूज होता है, बड़े एरिया में यूज नहीं होता है। आजकल ये सिर्फ छोटे एरिया में ही यूज होता है। अभी क्या हो गया ना, एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम आ गया, वो सबसे ज़्यादा चलता है। इंटेलिजेंट फायर अलार्म सिस्टम आ गया, वो सब ज़्यादा चलता है। ये छोटे एरिया के लिए, शॉप के लिए ये बहुत अच्छा है और कम बजट में ये पड़ जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये इस टाइप से आपका एक केबल कनेक्शन होता है, केबलिंग होता है। देख सकते हैं माइनस प्लस आपको ये लूप का जो केबल आएगा ना, ये जोन का ये केबल आएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा, रिटर्न केबल नहीं जाता है। एड्रेसेबल के बारे में मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में केबलिंग कैसा होता है और एक जोन में कितने डिवाइस लगाते हैं, डिटेक्टर और एमसीपी मिला के कितने लगाते हैं, तो आपको बता देता हूँ 24 लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, और अलग अलग पैनल आता है ना अलग अलग कंपनी का, उसमें अलग अलग नंबर भी हो सकता है। ओके फ्रेंड, 24 से आगे भी बढ़ सकते हैं, उससे कम भी रहता है। तो जिस हिसाब से जो कंपनी का पैनल लोगे उस हिसाब से आपको वहाँ पे देगा। और ये जो रजिस्टर है ना वो पैनल के साथ ही आता है, तो आप लोग को वो लूप में आपको लगा देना है जोन में। ओके फ्रेंड, ये जोन का नाम से जाना जाता है। और ये जो केबल है ना ये भी आपका जोन से, ये हूटर के लिए यूज होता है अलग, इसमें आपका हूटर नहीं लगेगा। ये जो डिटेक्टर का जो केबल होता है ना उसमें आपको हूटर कभी भी नहीं लगाना है। ओके फ्रेंड, और जो हूटर का जो केबल होता है लूप केबल जाता है उसमें आपको डिटेक्टर का केबल नहीं लगाना है, डिटेक्टर नहीं लगाना है। ओके फ्रेंड, क्लियर? तो आई होप फ्रेंड कि ये वीडियो में आप लोग को ए टू जेड इसके बारे में, कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में ए टू जेड आप लोग को पता चला। आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो